ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सक्सेना है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी हूँ। मैं आज आपसे बात करूँगा पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी के बारे में, स्पेशली पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स, मतलब कि बच्चों में होने वाले ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। इस वीडियो के पहले मैं आपको दो चीज़ें अपने दिमाग में करना ज़रूरी है कि बच्चे छोटे व्यस्क नहीं होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, दे आर नॉट स्मॉल एडल्ट्स। उनकी बीमारियां, बच्चों की बीमारियां बड़ों से काफ़ी अलग होती हैं और ये ब्रेन ट्यूमर पे भी ये बात लागू होती है। ब्रेन ट्यूमर जब भी बच्चों को होता है तो कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स या लक्षण बच्चों में होने लगते हैं जो आपको मेडिकल मदद लेने के लिए इंडिकेट कर सकते हैं, तो वो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें दो मुख्य भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो बच्चे जो छोटे हैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनमें हम कैसे समझें कि उनको कुछ ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्रेन ट्यूमर का इंडिकेशन है। एक्सेसिव हेडेक होने के कारण कॉन्स्टेंटली रोना, बच्चे रोते जा रहे हैं, खाना नहीं खाना या उनके खुराक का कम होना, उल्टियाँ आना खाने के साथ में, विजन की प्रॉब्लम आना, लाइट को फॉलो नहीं कर पाना, छोटे बच्चों में जो सर का ऊपर का सॉफ्ट पार्ट होता है वो बल्ज होने लगना, ऐसे सिम्टम्स आना जिसमें एक तरफ कमज़ोरी आए, या बच्चों में फिट्स या एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आना जो पहले नहीं थे, ये सब इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को ब्रेन में इरिटेशन या प्रॉब्लम है जिसका एक कारण ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो कभी भी ऐसा कुछ हो तो तुरंत इनकी पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से आपको बच्चों की जांच कराना चाहिए। जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, जो बता सकते हैं कि उनके साथ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आपको बता सकते हैं कि उनकी विजन में प्रॉब्लम आ रही है, उनका कॉन्स्टेंटली सर दुखता है, सर स्पेशली सुबह सुबह ज़्यादा दुखता है, उल्टी या वॉमिटिंग के साथ होता है, खाने में इंटरेस्ट नहीं है, बिहेवियर में चेंज है, स्कूल परफॉर्मेंस कम हो गया है, कभी कभी एक तरफ वीकनेस किसी किसी बच्चों में, एक तरफ एक शरीर के एक हाथ में वीकनेस आने लगती है, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मिर्गी के दौरे जो छोटे बच्चों को होते हैं वो बड़े बच्चों को भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ सिम्टम्स जो आपको दिखते हैं या आपको पता पड़ता है, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आने लगती है, चलने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं बच्चों को, इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो ये इंडिकेट करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में, स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी एडवाइस ये रहती है कि आप तुरंत अपने पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट या कोई भी अच्छे सेंटर में जाके अपने निदान या डायग्नोसिस कराएं, जो कि नॉर्मली एक MRI के द्वारा होता है। तो ये मुख्य सिम्टम्स का हम ध्यान रखें, और जब भी ऐसा कुछ आपको डाउट हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। थैंक यू।